दोस्तों, ये कहावत आपने लोगों से सुनी होगी कि कई बार लोग यह किसी को कहते हैं कि तुम्हारे पास दिमाग नहीं है क्या। इसके साथ ही साथ कई कामों में लोग ये भी कहते हैं कि ये सभी कुछ दिमाग का खेल है। नकारात्मक बातें तो सभी करते हैं, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि दिमाग को तेज कैसे करे। हम सभी जानते हैं कि किसी का दिमाग एक जैसा काम नहीं करता है, यानी कि किसी का दिमाग बहुत तेज चलता है तो वो अपने सारे काम अपना दिमाग लगाकर जल्द से जल्द कर लेता है, और ठीक वहीं पर किसी का दिमाग बहुत धीरे चलता है, जिसे हम लोग मंद बुद्धि वाले भी कहते हैं। तो जो काम तेज दिमाग वाले लोग करते हैं, वही काम धीरे दिमाग वाले लोग भी करते हैं, लेकिन उसे कुछ समय लग जाता है। वैसे लोग सफलता तो हासिल करते हैं, लेकिन कुछ वक्त लगता है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वे लोग भी बड़ी से बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी कामयाबी नहीं पा सकते हैं। उनका दिमाग भी तेज हो सकता है। दुनिया में ऐसे कई उदाहरण आपको मिल जाएंगे जिन्हें लोग पागल या मंद बुद्धि कहते थे, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में कुछ ऐसा कर दिखाया कि लोग उन्हें सर बोलने पर मजबूर हो जाते हैं। ये संभव है क्योंकि उन्होंने ऐसा किया। उन्होंने अपने दिमाग को तेज करने के लिए कुछ ऐसे तरीके को अपनाया। आज के इस वीडियो में हम भी कुछ ऐसे तरीके को जानेंगे जिसकी मदद से आप भी अपने दिमाग को एक चींटी की चाल से बढ़ाकर रॉकेट की चाल तक मिला सकते हैं, और ये संभव है। बस आपको इन तरीकों को अपने जीवन में अपनाना है। तथागत गौतम बुद्ध ने भी अपनी शिक्षाओं के माध्यम से दिमाग की शक्ति को विकसित करने के लिए विभिन्न उपाय दिए थे। आइए इसे एक कहानी के माध्यम से ठीक से समझते हैं, और वीडियो के अंत में हम उन 10 उपायों को भी समझेंगे जिसे हम अपने जीवन में अपना सकते हैं और अपने दिमाग को रॉकेट से भी तेज कर सकते हैं। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस कहानी के अंत में आप ना खो जाए, इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आप मेरे आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशंस आसानी से पा सके। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध के शिष्य आनंद उनसे पूछते हैं, हे तथागत, मेरे मन में अत्यधिक विचारों की बाउंडर हो जाती है और मैं चिंतित रहता हूँ। मैं अपने मन की शक्ति को कैसे बढ़ा सकता हूँ? मैं अपने दिमाग को कैसे बढ़ा सकता हूँ? आनंद की ये ज्ञान भरी बातें बुद्ध सुनते हैं और कुछ देर शांत हो जाते हैं। फिर थोड़ी मुस्कुराने के बाद आनंद से वे एक सवाल पूछते हैं, आनंद, तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम एक बच्चे से बहुत अधिक बड़े हो? क्या एक बालक तुमसे बड़ा है या तुम्हारा मन? बुद्ध की ये घुमावदार बातें आनंद को समझ में नहीं आता है। आनंद थोड़ी देर सोचते रहता है और फिर उत्तर देता है, हे तथागत, बिना किसी संदेह के एक बालक बड़ा है। बुद्ध फिर कहते हैं, ठीक है, अब फिर ये सोचकर बताओ, क्या तुमने अपने मन की शक्ति को कभी बढ़ाने का प्रयास किया है? बुद्ध की ये बातें सुनकर आनंद थोड़ी देर सोचता है और फिर उन्हें उत्तर देता है, नहीं तथागत, मैंने ऐसा कभी नहीं किया। आनंद की ये बातें सुनकर बुद्ध मुस्कुराते हुए दोबारा से बोलते हैं, देखो आनंद, तुमने अपने मन की शक्ति को बढ़ाने का प्रयास तक ही नहीं किया है, और फिर तुमने बच्चे को बड़ा कह दिया। तुम्हें यह जानना चाहिए कि मन भी एक प्रकार का बच्चा होता है, जिसकी शक्ति तब तक नहीं बढ़ सकती जब तक कि तुम उसे सही दिशा में नहीं ले जाते। इसलिए मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए तुम्हें स्वाध्याय, ध्यान और आत्मनिग्रह का पालन करना होगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे मानसिक संवादों और विचारों को सही दिशा में नियंत्रित करने के लिए ध्यान और साधना की आवश्यकता होती है। ये कहानी हमारे जीवन से गहरी तरीके से संबंधित है, क्योंकि इसमें हमें मानसिक स्वास्थ्य और आत्मविकास की महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती है। और अगर हमारा मानसिक स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, तब हम अपने दिमाग की शक्ति को आसानी से बढ़ा सकते हैं, और वो भी कई गुना बढ़ा सकते हैं। ये कहानी से चार बातें आपको जरूर सीखनी चाहिए। उसके बाद हम ये भी जानेंगे कि वे कौन से 10 तरीके हैं जिनके बारे में बुद्ध बताते हैं कि अपने दिमाग की शक्ति बढ़ाई जा सकती है। पहले चार बातें समझ लीजिए। पहला, मन की शक्ति का प्रबंधन। ये कहानी हमें ये बताती है कि हमारे मन की शक्तियों को सही दिशा में प्रवृत्त करना कितना महत्वपूर्ण है। हमारे मन में अनगिनत विचार और भावनाएं होती है, लेकिन हमें उन्हें सही तरीके से नियंत्रित करना सीखना चाहिए, ताकि हम चिंताओं से बाहर निकल सके। दूसरा, आत्मसंयम की महत्वपूर्णता। बुद्ध ने आत्मसंयम को मानसिक शक्ति को बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम माना। हमें अपने विचारों, इच्छाओं और भावनाओं को नियंत्रित करना सीखना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन को एक सही दिशा में ले जा सके। तीसरा, स्वाध्याय और ध्यान की महत्वपूर्णता। तथागत बुद्ध ने आनंद को स्वाध्याय, ध्यान और आत्मनिग्रह की सीख दी। यहां से हमें ये सीखने को मिलता है कि स्वाध्याय और ध्यान के माध्यम से हम अपने मन के शक्तियों को विकसित कर सकते हैं, और आत्मनिग्रह के साथ
उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। चौथा, सच्चे स्वरूप की पहचान। जिस प्रकार आनंद ने पहले बिना सोचे समझे बच्चों को बड़ा मान लिया, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि उसकी मानसिक शक्तियों की कमी है। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने असली स्वरूप की पहचान करनी चाहिए और उसे सुधारने के लिए काम करना चाहिए। जिस प्रकार बुद्ध ने बताया कि स्वाध्याय को अपनाना चाहिए, स्वाध्याय का मतलब होता है सेल्फ स्टडी, क्योंकि ज्ञान और सूचना का अध्ययन करने से व्यक्ति अपने मन की सामर्थ्य को बढ़ा सकता है। स्वाध्याय के माध्यम से व्यक्ति नए विचारों, आदर्शों और दर्शनियों के साथ संपर्क करता है, जो उनकी मानसिक शक्तियों को विकसित करने में मदद करते हैं। बुद्ध ने ध्यान के बारे में भी बात की, यानी कि मेडिटेशन। ध्यान और मेडिटेशन के माध्यम से व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर सकता है और उसे शांति, स्थिरता और एकाग्रता मिलती है। ध्यान से मन की चंचलता को कम किया जा सकता है और यह व्यक्ति को अपनी मानसिक शक्तियों को उच्चतम स्तर तक पहुंचाने में मदद करता है। बुद्ध ने आत्मनिग्रह के बारे में बात की। आत्मनिग्रह का मतलब होता है सेल्फ कंट्रोल। आत्मनिग्रह का अभ्यास करके व्यक्ति अपने विचारों, इच्छाओं और भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है। बुद्ध ने यह सिखाया कि सही मानसिक स्थिति में आने के लिए आत्मनिग्रह की आवश्यकता होती है और व्यक्ति को उसके विचारों का मास्टर बनने में मदद करता है। यदि आप बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेशों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो आपका दिमाग बिल्कुल रॉकेट से भी तेज हो सकता है। यह आपके मानसिक शक्तियों को विकसित करने और आत्मस्वावलंबन करने में मदद कर सकता है। बुद्ध ने अपने जीवन में कई तरीकों को सिखाया जिससे हम अपने मानसिक शक्तियों को विकसित कर सकते हैं। ये कुछ 10 तरीके हैं जिनको अगर आपने अपने जीवन में अपनाया तो आप अपने ब्रेन के पावर को बढ़ा सकते हैं। इसलिए इन 10 तरीकों को अपने जीवन में जरूर समझे। नंबर 1, स्वाध्याय यानी सेल्फ स्टडी। नए ज्ञान की प्राप्ति के लिए नियमित रूप से स्वाध्याय करें और अपनी मानसिक शक्तियों को विकसित करें। जैसे मैंने अपने दिन की शुरुआत की और कुछ नए विषयों का अध्ययन करने का निर्णय लिया। मैंने एक विशेष विषय पर एक अच्छी किताब खोली और उसे पढ़ने लगा। इससे मेरे मानसिक शक्तियां बढ़ने लगी और मैंने अध्ययन के माध्यम से नए ज्ञान को प्राप्त किया। ठीक इसी तरह आपको भी करना है। नंबर 2, ध्यान यानी मेडिटेशन। ध्यान के माध्यम से मन को शांत करे, स्थिरता का विकास करे और मानसिक शक्तियों को जोड़े, उन्हें बढ़ाए। इसके लिए आप रोज सुबह 15 मिनट के लिए ध्यान का समय निकाल सकते हैं। आप एक शांत और तनाव मुक्त स्थिति में बैठकर मेडिटेशन कर सकते हैं, जिससे कि आपके मन में शांति और स्थिरता में सुधार हो सकता है। अगर आप ये कुछ दिनों तक लगातार करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी मानसिक स्थिति में सुधार होने लगा। आप अपने कामों में अधिक एकाग्रता से काम कर सकते हैं। नंबर 3, आत्मनिग्रह यानी सेल्फ कंट्रोल। अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को सही दिशा में प्रवृत्त करने के लिए आत्मनिग्रह का अभ्यास करें। आत्मनिग्रह के द्वारा आप अपनी इच्छाओं को संयमित रूप से परिवर्तित कर सकते हैं, जिससे आपका फोकस और उत्तेजना अधिक प्रदर्शित हो सकता है। नंबर 4, सही आहार। देखिए, भोजन से हमारे शरीर का संबंध है और हमारे शरीर से हमारे मन का संबंध है, यानी हमारे दिमाग का संबंध है। अगर आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो आपका दिमाग भी स्वस्थ रहेगा। इसीलिए सही आहार लेने से आपके दिमाग की क्षमता में सुधार हो सकता है। फल, सब्जियां, पूरे अनाज, नट्स आदि का सेवन करें। सही आहार आपके दिमाग की क्षमता बढ़ा सकती है और आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकता है। नंबर 5, अच्छी नींद। पर्याप्त और गहरी नींद लेना भी मानसिक शक्तियों को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है, क्योंकि जब आप पर्याप्त और गहरी नींद लेंगे तब आपकी मानसिक शक्तियों को विश्राम मिलेगा, जिससे कि आपके जीवन में स्वास्थ्य में सुधार होगा, जो एक हेल्दी दिमाग के लिए बहुत ही आवश्यक है। नंबर 6, साक्षात्कार और विचारों का नियंत्रण। अपने सकारात्मक विचारों को बढ़ावा दे और नकारात्मक विचारों को नियंत्रित करें, क्योंकि सकारात्मक सोच और सकारात्मक विचारों के बल से आपके समस्याओं का समाधान और संपूर्ण दृष्टिकोण से देखने की क्षमता बढ़ सकती है। आज के बहुत से साइकोलॉजिस्ट लोग भी सकारात्मक रहने की बात करते हैं, क्योंकि सकारात्मक रहने से आपके भीतर के आपके बॉडी के वाइब्रेशंस बढ़ते हैं, और जब आपके भीतर के वाइब्रेशंस बढ़ेंगे, जब आपके भीतर के वाइब्रेशंस हाई होंगे, तब आकर्षण के नियम के अनुसार आप हाई वाइब्रेशंस वाली चीजों को ही आकर्षित करेंगे, जो कि आपके जीवन को बदल कर रख देगा। नंबर 7, आत्मसंयम। अपने इच्छाओं और आवश्यकताओं को संयमित रूप से परिवर्तित करने का प्रयास करें, क्योंकि आत्मसंयम से आप अपने स्वार्थ को परे करके
उच्चतम मानवीय मूल्यों की दिशा में बढ़ सकते हैं। नंबर 8, करुणा और समर्पण। दूसरों की मदद करने के लिए करुणा और समर्पण दिखाए, जिससे आपकी मानसिक शक्तियां परिवर्धित हो सकती है। दूसरों की मदद करने से आपकी सामाजिक सहयोग और अपने कर्मों के माध्यम से अपने भीतर की शक्ति को बढ़ावा मिल सकता है, जिससे कि आपके दिमाग की शक्ति भी बढ़ेगी, क्योंकि आपके दिमाग में एक अस्थिरता आएगी और एक अस्थिरता आपके दिमाग की शक्ति को बढ़ा सकती है। नंबर 9, नए चुनौतियों का सामना करना। नए कामों और चुनौतियों का सामना करने से हमारे मानसिक क्षमताएं विकसित होती है। बुद्ध ने सिखाया है कि हमें नए विषयों का अध्ययन करने की प्रेरणा लेनी चाहिए और उनसे सीखने की क्षमता रखनी चाहिए। नंबर 10, संयमित जीवन शैली। उचित और संयमित जीवन शैली अपनाने से आपके दिमाग की स्थिरता और शक्ति में सुधार हो सकता है, क्योंकि संयमित और संचरित जीवन शैली से आपके कार्यों का प्रबंधन आसानी से हो सकता है और आपके जीवन की स्थिरता प्रदान कर सकता है। बुद्ध कहते हैं कि मानसिक शांति के साथ काम करने से दिमाग की सक्रियता और गति में वृद्धि होती है। मानसिक शांति से हम अपने मन की शक्तियों को प्रकट कर सकते हैं। इन कुछ उपायों को अपनाकर आप अपने जीवन को एक नए स्तर पर ले जा सकते हैं और अपनी मानसिक शक्तियों को बेहतर रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। ये आपके दिमाग को तेजी से ही नहीं, बल्कि एक स्थिर, समर्पित और शक्तिशाली दिशा में ले जा सकता है। इससे आपके मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होंगे, जिससे कि आपके ब्रेन की क्षमता में सुधार हो सकता है, और ब्रेन की क्षमता को सुधार कर अपने दिमाग की पावर को बढ़ाकर आप इस दुनिया में कठिन से कठिन चुनौतियों का सामना आसानी से कर सकते हैं और अपने जीवन को एक नए मुकाम और सफलता की ओर ले जा सकते हैं। मित्रों, इस कहानी और इन तरीकों से आपने क्या सीखा, एक कमेंट जरूर कीजिएगा। क्या पता आपका एक कमेंट किसी का जीवन बदल दे। और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि आप मेरे आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशंस आसानी से पा सके। धन्यवाद।